रहनुमा पीपल्स पार्टी आचिज धामरा ने कहा है कि किसी पार्टी ने लाडला बनने की कोशिश की तो ये मामला सिर्फ हमारा नहीं होगा। वोट को इज्जत दो तो हम मियां साहब वजीर आजम नहीं बन सकते। जल्द मुल्क में एक नारा लगने वाला है, मुझे क्यों बुलाया। खदशा इस बात का है कि आपको हर हाल में इक्तदार के लिए आप NFC पर कंप्रोमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने 18th अमेंडमेंट पर कंप्रोमाइज किया तो ये सिर्फ मामला सूबे सिंध का नहीं होगा, ये मामला तमाम सूबों में बसने वाले लोगों का है। होश के नाखून लिए जाएं, इक्तदार आने जाने वाली चीज होती है। सीपेक 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 आप थर के कोले पे डाका डालने की कोशिश कर रहे हो, ये तो हिस्ट्री है। केस की इनॉग्रेशन शहीद बीबी ने की, उसके बाद आपने ठुटे लाइन लगाया। सियासत करें, हमारे खिलाफ इतिहाद बनाएं, इलेक्शन में मुकाबला करें। अगर आप जीत गए मुबारक देंगे, हमारा इतना दिल गुर्दा है बड़ा। मियां साहब आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। 8 फरवरी के इंतखाब को भी हम समझते हैं कि ये डिले किया गया है और चीटिंग की गई है पाकिस्तानी अवाम के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने एक डेट दी है, अब कह रहे हैं कि वोट को नहीं सिर्फ मुझे ही इज्जत दो कि मैं जब कहूं तब इलेक्शन हो। तो ये लाडलों की फरमाइश पे अगर इलेक्शन को पीछे किया गया तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी अवाम को फिर एक सख्त एहतजाजी तहरीक या मुजाहमत की तरफ जाना होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।